हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके ईयरफोन का ये जो रबर मटेरियल है, काफ़ी यूज़ के बाद अगर ये ऐसे निकलने लगता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो काफ़ी महंगे ईयरफोन्स होते हैं जिनका रबर जो है इस तरह से स्टिकी हो जाता है, डर्टी हो जाता है, और फिर ये ब्रेक होने लगता है इसके रबर्स जो है। देखिए, ये JBL का ईयरफोन है, तो काफ़ी प्राइस में आप लेते हैं ये प्रीमियम ईयरफोन्स, और उसके बाद जब ये स्टिकी हो जाता है और ये ब्रेक होने लगता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है, तो इसके लिए आप क्या करें। तो मैंने ईयरफोन प्रोटेक्टर मंगाया है ईबे से, ये ईयरफोन प्रोटेक्टर उस पर अप्लाई करना है, तो आई थिंक सेफ हो जाएगा मेरा ईयरफोन, या फिर USB केबल, जो भी जिस पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये पाउच में दिया है, तो काफ़ी कलर्स के ऑप्शन थे, लाइक 19 कलर्स के ऑप्शन थे, तो मैंने ये चूज़ किया क्योंकि काफ़ी उसमें पिंक वगैरह जो थे वो पसंद नहीं थे मुझे कलर्स। तो ये देखिए, इसे आपको इस पे अप्लाई करना होगा, तो काफ़ी बड़ा है ये, आई थिंक 1-1.5 मीटर का होगा जो भी। अच्छा, तो ये देखिए, ये आपको दिया है, ये आपको एक दिया है, काफ़ी बड़ा है ये एक हो गया। दूसरा आपको ये दिया, यानी 2 पीसेस दिया मुझे 170 रुपीज़ में ईबे से, ये 2 पीस इस साइज़ का मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा है। इस अभी से अप्लाई करना होगा ईयरफोन पे, आप USB केबल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ईयरफोन प्रोटेक्टर जो है, इसका नाम है ट्रिपल स्पाइरल केबल प्रोटेक्टर, ऐसा कुछ। तो ये 125 सेंटीमीटर इसका साइज़ है, यानी 1.2 मीटर है लगभग, ये काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, आपको 2 पेयर मिलते हैं, इसका कॉस्ट 170, जिसमें आपको काफ़ी कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं, मैंने ब्लैक एंड वाइट चूज़ किया है, तो 125 सेंटीमीटर के आपको 2 मिलते हैं ऐसे, जो कि 2 ईयरफोन पे तो कवर हो सकता है। अब इसे, ये जो ईयरफोन है मेरा, जिसके रबर्स निकल गए हैं, देखिए काफ़ी डर्टी हो गए हैं, और काफ़ी महंगा ईयरफोन, मतलब JBL ब्रांड का ईयरफोन है ये, और जब इसकी हालत ऐसी होती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अब ये प्रोटेक्टर इस पे अप्लाई करना होगा, उसके पहले मुझे जो इसका इस पे टेप अप्लाई करना होगा थोड़ा सा, जहाँ जहाँ पे ये टूटा है, जो रबर टूट गए हैं यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे टेप लगाना होगा, उसके बाद मैं इसे अप्लाई करूँगा।
तो मैंने ये टेप लगा लिए जहाँ जहाँ पे इसके रबर निकल रहे थे टूट के। अंदर से वायर तो काफ़ी मजबूत है इस ईयरफोन का। तो अब इसे कैसे अप्लाई करना है देखिए, आपको यहाँ से तो देखिए इसे मैंने अप्लाई कर दिया है। इसी तरह आपको धीरे धीरे इसको अप्लाई करना है इस पे, देखिए इस तरह से धीरे धीरे। इसे घुमाते जाइए, उसके बाद जहाँ भी गैप दिखे इसे ऐसे ऐसे करते जाइए ताकि एकदम पूरा ईयरफोन आपका फिट। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने पूरा किया JBL C100 SI ईयरफोन पे मैंने ये अप्लाई किया। इतना अप्लाई हो चुका है और इतना अभी बाकी, जो माइक के आगे का जो पोर्शन है ये इतना बाकी है, इतना मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। जो 3.5 mm जैक से जो बड़ा पार्ट है ईयरफोन का वो मैंने अप्लाई कर दिया है, ये देखिए। तो अब ईयरफोन सेफ रहेंगे, इनके जो रबर है वो टूटेंगे नहीं। तो देखिए थोड़ा सा मोटा लग रहा है ईयरफोन, लेकिन बस थोड़ा सा हल्का सा, बाकी आपका सेफ, एक प्रीमियम फील हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक में दे दूंगा। ये जो ईयरफोन प्रोटेक्टर है काफ़ी कलर्स में अवेलेबल, लाइक 19 कलर्स में अवेलेबल है। तो ईबे से लिया था मैंने 170 में, और 125 सेंटीमीटर का यानी 1.2 मीटर का आपको मिलेगा ये दो 170 रुपीज़ में। तो ये मुझे दो मिला था, ये 125 सेंटीमीटर का, और मेरा ईयरफोन जो है ये JBL का, ये भी 125 सेंटीमीटर का है। तो ये एक अप्लाई हो जाना चाहिए था इस पे, लेकिन इसे देखिए इतना बचा है फिर भी, यानी आपको दो की ज़रूरत पड़ेगी। जो नॉर्मल ईयरफोन है आपका, आपको ये दो लेना होगा। मैंने दो लिया था 170 में। तो 125 सेंटीमीटर का ईयरफोन है मेरा और 125 सेंटीमीटर का ये दो है, तो एक अप्लाई हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दो अप्लाई होगा, बाकी पार्ट्स में ये दूसरा भी लगाना होगा।